ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा बाहें पसार करके खड़े थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। और कुछ सेकंड तक तो बाबा बहुत ही स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे, लेकिन बाबा के सामने एक बहुत सुंदर कर्टन दिखाई दे रहा था, तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? मैंने कहा कि बाबा ये कर्टन तो बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा, देखना है? तो जैसे ही बाबा ने उस कर्टन को खोला, उसके पीछे चमचमाते हुए बहुत सुंदर अनेक प्रकार के स्टार्स दिखाई दे रहे थे, और हर एक की लाइट इतनी सुंदर थी, और वो इतना सुंदर लगता था जैसे कि हम उसको देखते ही रहे। तो बाबा ने कहा, देखो आज बाप ने अपने सभी लाडले बच्चों को वतन में बुलाया है, और हर एक बच्चा बाप का लाडला तो है ही, लेकिन स्नेह संपन्न अनेक विशेषताओं से भरपूर हैं, और बाप को इन बच्चों के ऊपर नाज भी हैं, और इन बच्चों के ऊपर बाप ने एक जिम्मेवारी का ताज बनाया हुआ है, जो सारे विश्व को बाप की प्रत्यक्षता का तथा संसार के अंदर जो दुखी हैं और कईयों की कई मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए बच्चों को जिम्मेवारी दी है। तो जैसे बाबा ने कहा ना, वो हर एक स्टार ऐसे बहुत सुंदर रीति से चमकता था, और उसकी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा भी बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद क्या देखती हूँ, वो स्टार्स डिफरेंट पोर्शन के अंदर बदल जाते हैं। कुछ स्टार्स थे जिनकी लाइट चमचम करती थी और फिर बंद होती थी, कुछ ऐसे थे बिल्कुल डल हो गए थे, कुछ ऐसे स्टार थे जैसे ना कोई मिट्टी के अंदर एक छोटा सा कणा चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसे दिखाई दे रहा था। तो बाबा देख रहे थे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाप ने क्या चाहा है बच्चों से और बच्चे क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाप ने जिम्मेवारी दी है, वो कभी कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, कभी तो बहुत प्यार से करते हैं, कभी कभी उनके अंदर ढीलापन आ जाता है, जिस कारण से वो अपने को जो बाप ने मास्टर कल्याणकारी की जिम्मेवारी दी है वो विस्मृति की ओर आ जाता है, और अहम भाव के कारण वो सितारा चमकता है, बुझता है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं कभी कभी कई बातों के अंदर अहम भाव के कारण मिसगाइडेड हो जाते हैं, और वो मिसगाइडेड होने के कारण बाप ने जो उनके अंदर गुण शक्तियाँ विशेषताएँ, और बाप लगातार बच्चों को पीछे सपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन वो मिसगाइड होने के कारण वो उनकी जो शाइनिंग है स्टार्स की वो एकदम डल होती हैं, और वो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय एक तरफ शक्तिशाली बना रहा है, दूसरी तरफ माया अपनी तरफ कई प्रकार के चक्कर और कई प्रकार के भूलभुलैया और कई प्रकार के मिसगाइड करके बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं। तो इसलिए बाप के दिए हुए वरदानों को वो पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पाते और उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं
जो कि ऐसे ऐसे प्रभाव में आ चुके हैं और वो अहम का जो भाव इतना ज़्यादा है कि बाप ने जो शक्तियाँ दी हैं वो सारी शक्तियाँ और गुण जो हैं वो एकदम जैसे कि जीरो लेवल पे पहुँचता है और हर समय उनको कोई ना कोई प्रकार की इच्छा रहती है, हर समय कोई ना कोई प्रकार की डिमांड बाबा से करते हैं या बाप को उलहने देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जैसे बाप बच्चों को भरपूर कर रहा है तो माया भी कई प्रकार के प्रलोभन के द्वारा खींचने के लिए और भरपूर करने की कोशिश करती है। बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को एक तो माया के रूप को पहचान कर अपने आप को शक्तिशाली बनाना और दूसरा जो बाप ने बच्चों को विशेष शक्तियाँ दी हैं, विशेष बाप का जो साथ है उससे सदा अपने ओरिजिनल शक्तियों के स्वरूप को जागृत करके फिर से चमकते हुए सितारे की तरह बने, क्योंकि सारे विश्व की निगाहें आप बच्चों के ऊपर हैं, सारा विश्व आपसे कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, उन्हें लगता है कि यही ऐसे हैं जो हमें कुछ अनुभव करा सकते हैं। फिर बाबा ने फिर वही दृश्य सामने लाया और एक एक को दृष्टि दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से एक एक के पास वरदान पहुंचता था और वो वरदान से ऐसी लाइट निकलती थी, वो लाइट चारों तरफ फैलती थी। तो बाबा ने कहा ये सब मेरे बच्चे वरदानी बच्चे हैं, सर्व प्रकार के ज्ञान से भरपूर हैं और सदा वरदानी रहें, वरदानों के द्वारा दूसरे के मनोकामनाएं और विश्व परिवर्तन में ये वरदान विशेष सहयोग देंगे, क्योंकि समय परिवर्तन की ओर है, बच्चे पावरफुल बन रहे हैं लेकिन माया भी साथ साथ अपना विशाल रूप दिखा रही है, इसलिए बच्चों को विशेष परखने की शक्ति और बाप के साथ के द्वारा अपनी सर्व शक्तियों को प्रयोग करने का भी विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने कहा बच्चे सब वरदानी हैं और बाबा को ये है कि जल्दी से जल्दी संपन्न होकर के वरदानी स्वरूप के द्वारा विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता और परिवर्तन के कार्य को और तेज़ी से करें। फिर तो बाबा ने सबको याद भी दिया और जिनके भोग थे उनको भी बाबा ने खास याद दिया। ओम शांति।